हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का लेसन नंबर 17 है। तो लेसन नंबर 17 के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने टेक्स्ट पर शेडो दे सकते हैं, और जो आप बॉक्स बनाएंगे यूजिंग डिवीजन टैग, उस पर आप अपना बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग शेडो टेक्निक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग में। तो यहाँ पर आपको लिखना है HTML हेड स्टाइल, स्टाइल के अंदर H1, क्योंकि यहाँ पर आप टेक्स्ट को शेडो देना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, हेडिंग, हेडिंग, या आप कुछ और भी लिख सकते हैं इसमें। फॉन्ट के थ्रू आप अपना टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कलर दे रहा हूँ ग्रीन, जो टेक्स्ट का कलर होगा वो मेरा ग्रीन होगा। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट शेडो, शेडो होगा मेरा 3 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली, 3 पिक्सल्स वर्टिकली भी 3 पिक्सल्स। और इसमें एक चीज़ और है, हम शेडो के साथ साथ ब्लरिंग इफेक्ट भी दे रहे हैं। तो ब्लरिंग इफेक्ट मैं यहाँ पर दे देता हूँ 8 पिक्सल्स, जो ब्लर हो जाता है हमारा इमेज, उसमें हम यहाँ पर देंगे 8 पिक्सल्स। और जो शेडो का कलर रहेगा वो हमारा रहेगा सपोज़ पिंक, हम इसको पिंक कर देते हैं, या हम इसको कर देंगे येलो, इसको हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है डिवीजन टैग, क्योंकि हम यहाँ पर बॉक्स को शेडो देना चाह रहे हैं, तो हम डिवीजन टैग के थ्रू इसको परफॉर्म करेंगे। अब बॉक्स में जो विड्थ होगी वो होगी हमारी 300 पिक्सल्स, हाइट इसमें हम स्पेस नहीं देंगे, नहीं अदरवाइज एरर आ जाएगा। हाइट भी हम यहाँ पर दे देंगे 300 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर कॉलन लाइट ग्रीन, बॉक्स शेडो कॉलन 3 पिक्सल्स, ये सेम हमारा आएगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टली भी 3 पिक्सल्स, वर्टिकली भी 3 पिक्सल्स, और जो ब्लरिंग इफेक्ट है वो भी हम यहाँ पर सेम देंगे 8 पिक्सल्स के साथ। और जो इसका कलर होगा वो हम रख देते हैं ब्लू, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपने जब ये टैग यहाँ पर ख़त्म कर दिए हैं, तो हम यहाँ पर इसको स्टाइल क्लोज करेंगे एंड हेड क्लोज करेंगे, देन बॉडी स्टार्ट। अब बॉडी के अंदर आप यहाँ पर दे रहे हैं H1, लेसन नंबर 17, H1 क्लोज, डिवीजन स्टार्ट करेंगे। अब डिवीजन के अंदर हम दे देते हैं डिवीजन के अंदर हम दे देंगे इसको सपोज हम यहाँ पर लिख देते हैं चैप्टर 17, डिवीजन क्लोज, देन बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। तो अब इस कोडिंग को हम सेव कर देंगे डेस्कटॉप पर, एग्जाम्पल css17.html के नाम से। आई होप ये थोड़ा सा भी टाइम लेगा, तो अभी हम कोडिंग रिवाइज कर लेते हैं। तो कोडिंग में हमने यहाँ पर HTML हेड स्टाइल यूज़ करा है, H1 यूज़ करा है हमने टेक्स्ट के लिए, डिवीजन यूज़ करा है हमने बॉक्स के लिए, बॉक्स की हाइट और विड्थ हमने यहाँ पे डिफाइन करी है, और उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है बॉक्स का वो लाइट ग्रीन है, बॉक्स की शेडो जो है वो ब्लू है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं,
अपनी CSS कोडिंग को हम परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें आपको बस अभी क्या करना होगा, एक छोटा सा और करेक्शन है यहाँ पर, मैंने हाइट और 300 पिक्सल्स के बीच में स्पेस दिया हुआ था। देखिए इस तरीके से आप देखेंगे लेसन नंबर 17 जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसमें कुछ ब्लरिंग इफेक्ट है। कलर टेक्स्ट का ग्रीन था, शेडो जो है येलो है हमारी, और ठीक उसी तरीके से जो नीचे मैंने बॉक्स बनाया है डिवीजन टैग के थ्रू, उसमें 300 पिक्सल, मैं चाहूँ तो इसको विड्थ हाइट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ। तो ये मेरा बॉक्स की शेडो हो गई। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही, आगे और नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ आपको हम CSS बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।